नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। संविधान का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें भारत में मुकदमों के संबंधी जो सुनवाई होती है तो एक क्रम होता है उसका। पहले मजिस्ट्रेट, फिर जिला, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद जो व्यक्ति होते हैं उनके पास कितने ऑप्शन होते हैं? तो जैसे सुनवाई जब पूरा हो जाता है तो व्यक्ति के पास भी कई ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर उसको फैसला पसंद नहीं है तो वो पूर्ण विचार याचिका डाल सकता है। पूर्ण विचार याचिका खारिज होने के बाद एक और होता है उपचारात्मक याचिका, ये जिसे बोलते हैं क्यूरेटिव याचिका। उसके बाद आता है लास्ट दया याचिका। तो आइए देखते हैं पूर्ण विचार याचिका के बाद क्या होता है। तो जो जिसे दोषी हैं जो बच्चे हैं उनके पास दो विकल्प हैं, ये निर्भया कांड वाला। तो उपचारात्मक याचिका क्या होता है पहले ये देखते हैं। पूर्ण विचार याचिका के खारिज होने की स्थिति में फांसी की सजा पाए अभिव्यक्तियों के पास उपचारात्मक यानी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प बाकी होता है। हालांकि इसके लिए थोड़ी लंबी प्रक्रिया का सामना करना होता है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय ये चर्चा में भी है, अयोध्या मैटर पे भी जाएगा पूर्ण विचार याचिका, तो ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि दाखिल करने का जो विकल्प बाकी है, हालांकि इसके लिए थोड़ी लंबी प्रक्रिया का सामना करना होता है। किन्हीं तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुशंसा, किन्हीं तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुशंसा और अटॉर्नी जनरल की अनुमति मिलने के बाद ही उपचारात्मक याचिका न्यायालय उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में तभी हम दाखिल कर सकते हैं जब तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुशंसा और अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही दोषी उपचारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। इस पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायमूर्ति करते हैं और बहुमत के आधार पर इस याचिका को सुनवाई करने या नहीं करने का निर्णय जो है पीठ लेती है। तो सबसे पहले अगर आप क्या अगर पूर्ण याचिका खारिज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उपचारात्मक के लिए सबसे पहले तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुशंसा और फिर अटॉर्नी जनरल की अनुमति मिलेगी, तब जाकर के आपका याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल होगा। और इस पर भी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायमूर्ति तब करेंगे जब बहुमत के आधार पर इस याचिका को एक्सेप्ट करेंगे कि सुनवाई करना है कि नहीं करना है। दया याचिका, फांसी की सजा पाए दोषी अपनी सजा लागू होने से पहले तक राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर कर सकते हैं। जैसा कि याकूब इमानवाले में रात में भी हाईकोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी खोल दिया गया था, और यानी कि जो फांसी की सजा पाए हैं तो एक दिन पहले तक का दया याचिका लगा सकते हैं। दोषी फांसी की सजा तय होने के एक दिन पहले तक दया याचिका दायर कर सके अधिकार रखते हैं। हालांकि याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं इसका निर्णय जो होता है गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति कार्यालय करता है। तो इसका निर्णय गृह मंत्रालय के जरिए कौन करेगा, राष्ट्रपति कार्यालय के हाथ में होता है। तो ये है दया याचिका। तो यानी कि फैसला होने के बाद तीन याचिका होते हैं, पहला पूर्ण विचार, फिर उपचारात्मक याचिका और फिर लास्ट होता है दया याचिका। अब देखिए ब्लैंक वारंट क्या होता है। जिस जिले में वारदात को अंजाम दिया गया है उस जिले के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोषी की सजा का दिन और समय तय करने से संबंधित ब्लैंक वारंट जारी करते हैं। इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट के समक्ष आग्रह पत्र दायर किया जाता है। आग्रह पत्र पर जेल प्रशासन द्वारा सुझाव के तौर पर दी गई तारीख और समय पर अदालत अपने स्वविवेक से अंतिम मोहर लगाती है, जिसके बाद सजा का समय तय कर दिया जाता है। यानी जिस जिले में कोई भी घटना हो अंजाम दिया जाता है वारदात को, उस जिले के मजिस्ट्रेट ही उस दिन का सजा और समय तय करने संबंधित वारंट जारी करते हैं और जेल प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ आग्रह पत्र दायर किया जाता है। आग्रह पत्र पर जेल प्रशासन द्वारा सुझाव के तौर पर दी गई तारीख और समय पर अदालत अपने स्वविवेक से अंतिम मोहर लगाती है। यानी कि ये ब्लैक वारंट जो होता है सजा के लिए अंतिम तारीख और मोहर लगाने का वारंट होता है। तो जैसा कि जो क्यूरेटिव यानी कि उपचारात्मक याचिका होता है उसका देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक दिन में ही सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। इसमें बताया गया है पूर्ण याचिका के बाद एक दिन में सुनवाई कर सकता है। देखिए जो घटना हुआ था 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ बस में है मैंने तो थी, ये निर्भया कांड वाला मैटर पे ये जो याचिका है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक जो भी तारीख तय की उसी दिन निर्णय भी आ सकता है। यानी
बताया गया कि निर्भया मामले के दोषी अच्छा की पुनर्विचार याचिका पर उच्चतम न्यायालय एक दिन में निर्णय ले सकता है। इस मामले में मंगलवार को एक दोषी अच्छा की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की गई। इस पर भी उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, हालांकि जो भी तारीख तय की जाएगी उसी दिन निर्णय भी आ जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है दया याचिका हो या फिर पुनर्विचार याचिका हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।